Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया। ओपेक और उसके सहयोगी देशों की ओर से तेल उत्पादन में कटौती किए जाने से भविष्य में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए और कई घायल हैं। आज सभी शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। ऐसे में पूरे देश के लोगों में गुस्सा उबल रहा है और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग उठ रही है। इस बीच एलओसी पर भारतीय सशस्त्र बलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया और कल प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, पर अचानक ब्रेक लग गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन के रुकने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कारगिल जिले के ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। लोगों की बातचीत के बाद राज्यपाल ने कारगिल मुद्दे को हल किया। अब लेह और कारगिल दोनों जगह होगा मुख्यालय। कारगिल के लोगों द्वारा पिछले कई दिनों से हड़ताल जारी थी, जिसे तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया। अब 2 अतिरिक्त मंडलायुक्त लेह और कारगिल में तैनात किए जाएंगे। कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के लैथपुरा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के मामले में सुरक्षा बलों ने 7 युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हैं। इसके साथ ही जैश के एक ओवरग्राउंड वर्कर की भी तलाश की जा रही है, जिसने हमले के लिए विस्फोटक तथा अन्य सामग्री का इंतजाम किया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर दुनिया भर के देश पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी शब्दों में निंदा कर चुके हैं और भारत को हर संभव सहयोग का भरोसा दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से कहा कि अमेरिका आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। जॉन बोल्टन ने कहा कि वो भारत के साथ खड़े हैं और दोषियों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर संसद में हुई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सभी दलों ने सरकार को समर्थन की बात कही। बैठक में सभी पार्टियों ने पुलवामा में हुए हमले और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई, ताकि पूरा देश इस मुद्दे पर एक स्वर में बात कर सके।